गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीटेक फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी, और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, और आज इसमें हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप SGIT Academics चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि DNA की एक रज्जुक, रज्जुक मतलब होता है स्ट्रैंड, जो हम हेलिकल संरचना देखते हैं उसको रज्जुक बोलते हैं हिंदी में, जो स्ट्रैंड से आनुवांशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण मतलब कॉपी करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। मतलब DNA से RNA में जो कॉपी हो करता है ना, उस जो कॉपी करने की जो प्रोसेस है उसको अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। अनुलेखन का मतलब क्या होता है? अनुलेखन मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थायमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षारीय युग्म बनाता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल DNA द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक स्ट्रैंड RNA के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है, इससे DNA की जो स्ट्रैंड है, DNA की जो स्ट्रैंड की जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों या स्ट्रैंड की प्रतिलिपिकरण या कॉपी क्यों नहीं होती? इसका साधारण सा उत्तर है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले RNA अणुओं का ट्रांसक्रिप्शन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। यदि किसी RNA का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करता है तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो RNA अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं, इसके निर्माण से डबल स्ट्रैंड RNA का निर्माण होगा। इससे RNA के प्रोटीन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता और जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रयास है वो बेकार चला जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर यूनिट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या क्या हैं ये? DNA में अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है इनिशिएशन, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड है टर्मिनेटर, ठीक है। तो इनके बारे में देखो, जानते हैं एक एक करके। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के संरचनात्मक जीन मतलब स्ट्रक्चरल जीन DNA के स्ट्रैंड का ही भाग हैं। क्योंकि स्ट्रैंड विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं, इसलिए DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुकलन केवल एक ही दिशा में मतलब 3 से 5 की ओर उत्प्रेरित होते हैं। रज्जुक जिसमें ध्रुव 3 से 5 की ओर है वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुव 5 से 3 वह अनुक्रम RNA जैसा होता है, थायमिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यह स्ट्रैंड जो किसी भी चीज के लिए कोडिंग नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड कहलाता है। सभी उपयुक्त बिंदु जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के भाग हैं ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड से बने होते हैं। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए या उन बिंदुओं की एक्सप्लेनेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के परिकलित अनुक्रमों को नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब 3 से 5 की ओर जाएंगे तो कौन कौन से क्रम आएंगे यहाँ पर, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके ATGC, ठीक है। A का मतलब एडिनिन, T का मतलब थायमिन, G का मतलब गुआनिन और C का मतलब साइटोसिन, ठीक है। तो ये क्रम चलता रहेगा, ATGC, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड लगातार बनती चली जाएगी,
ठीक है, 3 से 5 की ओर। अगर ये 5 से 3 की ओर होगी तब क्या होगा, ATCG, इस तरह चलती रहेगी, है ना। थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वहाँ पर ATGC है और यहाँ पर 3 से 5 की ओर जाने पर ATAGC हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, TAGC, ये इसका क्रम हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा DNA से RNA का ट्रांसक्रिप्शन आप किस तरह से होता है, ये आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोमोटर है और जो टर्मिनेटर है, जिसको हम इनिशिएशन भी बोल सकते हैं, प्रोमोटर को इनिशिएशन और जो टर्मिनेटर है, तथा इसके जो एज होते हैं, किनारे होते हैं, पर जो संरचनात्मक जीन उपस्थित होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन इकाई बनाते हैं, ठीक है। मतलब तीन चीज़ें मिलकर क्या क्या, इनिशिएटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये तीनों मिलकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के मतलब पाँच से अगर शुरू करें, जैसे हम बोल रहे थे कार्बन की संख्या है, यहाँ पर कार्बन का नंबर है, यहाँ पर 5 से शुरू करें तो किनारे पर ध्रुवों के संबंध में उन्नायक स्थित होता है। मतलब किनारे पर उन्नायक का मतलब है इनिशिएटर शुरू होता है, शुरू में, जैसे अगर हम 5 से 3 की ओर शुरू करते हैं तो शुरू में क्या स्थित होता है, इनिशिएटर, ठीक है। और अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर शुरू में आपको टर्मिनेटर मिलेगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पर। तो यह DNA अनुक्रम है जिससे RNA पॉलीमरेज जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्थित इनिशिएटर टेम्पलेट व कोडिंग स्ट्रैंड का निर्धारण करता है। टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3 से अनुप्रवाह पर स्थित होता है और इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की समाप्ति का निर्धारण होता है। इसके अतिरिक्त इनिशिएटर के प्रतिप्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम है, मतलब एक निश्चित क्रम है, निश्चित नियम से चलने वाले अनुक्रम को नियामक अनुक्रम बोलते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब इसकी जानकारी दी जाएगी। तो अब हम बात करेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, इसके बारे में बात करते हैं। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन DNA पर स्थित होते हैं। जीन को DNA अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। tRNA व rRNA अणु DNA अनुक्रम स्थानांतरण के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होता है। परिभाषा के अनुसार सिस्ट्रोन DNA का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कोडिंग या डिकोडिंग करता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रोनिक अधिकतर सुकेंद्री होते हैं या पॉलीसिस्ट्रोनिक अधिकतर जीवाणु में या फिर एसिम केंद्री में हो सकता है। सुकेंद्री में मोनोसिस्ट्रोनिक संरचना जीन मिलती है जिसमें अंतरापिक कूट लेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। सुकेंद्री में जीन विखंडित होते हैं, कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यक्तेति मतलब एक जीन कहते हैं। एक जीन वे अनुक्रम है जो परिपक्व या संसाधित RNA में मिलते हैं। एक जीन या अव्यक्तेति या इंट्रॉन द्वारा अंतरापित होते हैं। अव्यक्तेति या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित RNA में नहीं मिलते हैं। DNA खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। लक्षण की वंशागति संरचना जीन के इनिशिएटर व प्रोमोटर अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं, क्योंकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं। इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी RNA या प्रोटीन का कूट लेखन या कोडिंग या डिकोडिंग नहीं करते हैं। RNA के प्रकार व इनका
अनुक्रम या अनुलेखन का प्रक्रम। जीवाणु में मुख्यतः तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, जिनको हम मैसेंजर आरएनए या टीआरएनए जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जेनेटिक कोड, ठीक है। तो जेनेटिक कोड क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक तरह से प्रतिकृति का मतलब है, एक तरह से कॉपी करना, और अनुलेखन का मतलब है यहाँ पर एक दूसरे से, मतलब डीएनए का आरएनए में कॉपी करना। अगर प्रतिकृति मतलब है डीएनए से डीएनए की कॉपी होना, आरएनए से आरएनए की कॉपी होना, लेकिन अनुलेखन का मतलब, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए की कॉपी, आरएनए में कॉपी करना, जो भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है उनका, ठीक है। तो प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से एक दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवांशिक संरचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से एमिनो अम्लों के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती हैं। एमिनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड में न तो कोई पूरकता मिलती है, न ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन से प्रोटीन के एमिनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है, इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। इसके जेनेटिक कोड, इससे जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्लों के अनुक्रमों को निर्धारित करते हैं। डीएनए की संरचना व आनुवांशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रतिकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज़्यादा आनुवांशिक कूट का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट या कार्बनिक रसायनविद, जैव रसायनिक व आनुवांशिक साइंटिस्ट के सहयोग की आवश्यकता थी, मतलब सब मिलाकर इसको कर सकते थे। जॉर्ज गेमो एक भौतिकविद थे, जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल चार हैं तो इन 20 एमिनो अम्लों का कूटलेखन किस प्रकार से होता है। अतः कोड के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इनका विचार था कि सभी 20 एमिनो एसिड के जो कोडिंग है, कोडिंग के लिए तीन न्यूक्लियोराइडों के बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था, जिसमें 4^3 मतलब 4×4×4 के प्रति उत्परिवर्तन समूच से 64 कोड का निर्माण हुआ। इससे बनने वाले कोड की आवश्यकता से अधिक थे। प्रकूट ये मतलब कोडन ट्रिक होते हैं, मतलब जो प्रकूट होते हैं वो तीन होते हैं। इसका प्रमाण देना अत्यंत कठिन कार्य था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने निश्चित क्षारों मतलब समबहुलक व सहबहुलक के समुच्चय हेतु आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल निटेरबर्ग की कोशिका स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में काफ़ी सहयोगी रही। सेबेटो ओकोवा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोराइड फॉस्फोलिपेज आरएनए को स्वतंत्र रूप से आरएनए का एंजाइम संश्लेषण से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुकुलित होने में सहायता प्रदान करता है। अंत में आनुवंशिक कूट का चेकर बोर्ड पेनेटारिक, नीचे एक तालिका दी गई है उसके बारे में बात करेंगे, इसमें दिया गया है। तो इसकी क्या क्या खासियतें हैं, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। वो चित्र आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले जो जेनेटिक कोड प्रकूट होता है, ये प्रकूट का मतलब एक तरह से एक टेबल है, उसके अंदर एक एक जो यूनिट है उसके बारे में फिर से एक
और टेबल बनी है, एक एक यूनिट के लिए फिर से एक एक टेबल बनाई गई है। तो एक तरह से ये सब यूनिट है। 61 प्रकूट अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं, मतलब जो 61 जो 64 बने थे उनमें से 61 तो अमीनो अम्लों का ही कूट लेखन करते हैं या जेनेटिक कोडिंग करते हैं, वह 3 प्रकूट का जेनेटिक कोड नहीं करते, मतलब सिर्फ 3 का नहीं करते। इस कारण से यह रोध प्रकूट के रूप में कार्य करता है। खे एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का ही कोडिंग करता है, इस कारण से यह असंदिग्ध विशिष्ट होता है। तीसरा देखें, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण इन्हें अपरासित कूट कहते हैं। अगला देखो, प्रकट दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते। अगला देखो, कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं, मतलब जो ये कोडिंग है ये लगभग अलग होते हैं और सभी के लिए बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे पूरी दुनिया में मनुष्यों के लिए कोई गुणसूत्र है उसमें जो जो कूट बन रहा है, जो कोडिंग हो रही है, वो सबके लिए सेम ही है, इसलिए इसको सार्वभौमिक बोला गया है। उदाहरण के लिए जीवाणु में से मनुष्य में UUU मतलब ट्रिपल यू, फेनिल एनिलिन PHE का कोडिंग करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूचकणी का प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं या प्रोटोजोआ में मिलता है। अगला देखो, AUG दोहरा कार्य करते हैं, यह मेथियोनीन का कूट लेखन करता है, यह एक प्रारंभ प्रकूट के रूप में कार्य करता है। यदि एक दूत आरएनए में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूट लेखित अमीनो अम्लों के अनुक्रम की कल्पना करो चेकरबोर्ड की सहायता से, जैसे AUG UUU UUC UUC UUU UUU UUC। तो इस तरह से ये जो बन रहे हैं क्रम है। अब इसके विपरीत के बारे में बताओ, नीचे दिए गए जो टेबल दे रखी है इसमें आरएनए द्वारा जो कोड अमीनो अम्लों की जो कोडिंग हो रही है उसका एक निश्चित क्रम है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों का पता लगाइए, तो यहाँ पर कैसे पता लगेगा इस टेबल को देखकर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्या आप इसका विपरीत पता लगाने में परेशानी महसूस कर रहे होंगे? कारण क्या है इसका? क्या आप एक आनुवंशिक जेनेटिक मतलब जेनेटिक कोड की दो विशेषताओं के बारे में सामंजस्य बिठा सकते हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं? तो देखिए, सबसे पहले है उत्परिवर्तन और इसका आनुवंशिक या जेनेटिक कोड। तो जीन व डीएनए के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। उत्परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, या जो 5 हो गया चौथे में, जहाँ पर हम नहीं तीसरे में जो जहाँ पर हमने पढ़ा था जेनेटिक्स, हाँ तीसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। 5वां तो ये चल ही रहा है अभी, है ना। तो एक डीएनए के खंड से अधिक लोपनपुरनियोजन मतलब उसका खत्म होना और दोबारा से जुड़ना के प्रभाव के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति या वृद्धि होती है। बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एमिनो अम्ल अवशिष्ट ग्लूटामेट से वेलिन में परिवर्तित होता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को दात्र कोशिका सुरक्षता सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश या विलोपन के बारे में नीचे दिए गए साधारण उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे इस कथन पर ध्यान दो कि जो निम्न शब्दों से बना है जिनमें 3 वर्ण या 3 अक्षर आनुवंशिक कूट की तरह मिलते हैं, जैसे राम हैज रेड कैप। यदि हैज व रेड बीच अक्षर इनके बीच में बी को डाला जाए और कथन को पुनर्नियोजित किया जाए तो इसे निम्नवत पढ़ा जाएगा, जैसे राम हैज ब्रे BREDCAP, मतलब वर्ड का क्या हो जाएगा। ठीक इसी तरह से उसी जगह पर अक्षर बी की जगह और कुछ डाल दिया जाए
तो भी इसका मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जेनेटिक कोड के बीच में अगर हम किसी भी दूसरे जीन को यहाँ पर स्थानांतरित कर देते हैं तो वहाँ पर उसका ना तो इफेक्ट पड़ेगा और जो जेनेटिक कोड था पहले उसकी उसका मतलब ये बिगाड़ कर रख देगा, जिससे क्या होगा जो पूरा जेनेटिक पूरा जो जीन का जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ जाएगा और वहाँ पर आनुवंशिक विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अभ्यास से हम निष्कर्ष से हमको ये स्पष्ट पता लगता है कि एक या दो क्षारों के निवेशन या विलोपन मतलब इनिशिएशन या टर्मिनेशन से ये जो रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है, यदि ऐसे परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्राधार निवेशन या विलोपन के रूप में किया जाता है तो तीन या तीन क्षारों के गुणित निवेशन या विलोपन से एक अथवा अनेक कोड तदनुसार एक अथवा अनेक अमीनो अम्लों के वाचन प्रदार इस बिंदु से आगे परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जेनेटिक कोड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मैक्रोमोलिक्यूलर एनालिसिस। मैक्रो का मतलब होता है एक बड़े तौर पर, जो मोलिकुलर एनालिसिस होता है वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।